किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से लगा लेना ये धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। राजस्थान के अलवर के गांव रामपुर निवासी हेड कांस्टेबल पोप सिंह का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान तिरंगा यात्रा निकालकर सैनिक की पार्थिव देह को सम्मान के साथ ले जाया गया। इस दौरान भूप सिंह मीणा अमर रहे के जयकारों से बांसुर गूंज उठा। सैनिक के सम्मान में पूरा गांव उमड़ पड़ा। सैनिक को ग्रामीणों ने नम आंखों से विदाई दी गई है। इस दौरान कस्बे के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, तो वहीं पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही घर में चीख पुकार मच गई। कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में चल कर देखना, कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, जरा सरहद पर जाकर देखना। जहां कल सुबह करीब 12 बजे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आईटीपीपी के अधिकारियों और उनके साथ आई टुकड़ी के जवानों ने ऑनर ऑफ गॉड से सलामी दी। इस दौरान उद्योग मंत्री शंकुतला रावत ने पुष्प चक्र अर्पित कर सैनिक को श्रद्धांजलि दी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिलों में बसाए रखना। दौरान आज सुबह ग्रामीणों और परिजनों ने हेड कांस्टेबल भूप सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की और आरोपी को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई है। इस दौरान आईटीपीपी के अधिकारियों ने कहा कि आईटीपीपी सैनिक के परिवार के साथ है, जो सहायता होगी वो की जाएगी। हेड कांस्टेबल भूप सिंह के पुत्र जतिन, जिनकी उम्र महज 5 वर्ष है, उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि 21 जून बुधवार को हेड कांस्टेबल भूप सिंह मीणा की 2 ICC अधिकारी लोकपाल सिंह के बेटे दिग्विजय सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हेड कांस्टेबल भूप सिंह अधिकारी के यहाँ कोक का काम करता था। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। उद्योग मंत्री शकुंतला यादव सहित हजारों की संख्या में जनसैलाब मौजूद रहा। नम आंखों से दी गई भूप सिंह को अंतिम विदाई। बांसुर में 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, जवानों की टुकड़ी ने दी सलामी। वहीं स्थानीय परिजन व स्थानीय ग्रामवासियों ने शहीद का दर्जा देने की भी मांग की और हत्यारे को फांसी की सजा देने की भी मांग कही। वहीं आईटीपीपी के अधिकारियों ने बताया कि वह हर संभव मदद को तैयार हैं। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान भूप सिंह मीणा के चरणों में अपर असम यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है। बता दें कि भूप सिंह मीणा, जो कि 2 ICC रैंक के अधिकारी के यहाँ कुक का काम करते थे, और उसी दरमियान अधिकारी के बेटे ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वे मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कल उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सही जवान के चरणों में अपर असम यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है। कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में चल कर देखना, कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, जरा सरहद पर जाकर देखना।